कैश का शेयर और ऐसा स्टरलाइट टेक पूंजी जुटाने को लेकर 23 तारीख को इनकी बोर्ड की बैठक होने वाली है। तो एक बार सिद्धार्थ माफ कीजिए कुणाल जी, एक बार जरा आप ही चेक कीजिए, फिर मैं एक सिद्धार्थ से भी राय लूंगा, क्योंकि उन्होंने स्टरलाइट टेक के बारे में एक बार बात रखी थी कि टेलीकॉम में न जाए बल्कि टेलीकॉम की तारें बिछाने वाली कंपनीज पे जाए। तो एक बार जरा पहले आप चार्ट चेक कीजिए कुणाल जी, 23 तारीख को रकम जुटाने के लिए बैठक कर रहे हैं। चार्ट स्ट्रक्चर में इसमें लगातार हमने कमजोरी देखी है, इसमें लोअर पीक्स बने हैं और 220 रुपए का एक अहम सपोर्ट था उसको भी स्टरलाइट टेक ने तोड़ा है और उसके बाद हमने बड़े वॉल्यूम के साथ दो दिनों में पिछले एक बड़ी गिरावट भी देखी है। मुझे लगता है देखिए चार्ट पर अभी कोई रिवर्सल के संकेत नहीं है, अगर आज मान लीजिए खप्ते पॉजिटिव है तो हो सकता है आपको एक उछाल बनते हुए दिख जाए। असली जो चुनौती है वो 220 रुपए का स्तर होगा। अगर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी 220 के लेवल को बहुत क्लियरली पार करके उसके ऊपर एक बंदी देता है तब जरूर इसमें खरीदारी करनी चाहिए, अन्यथा एक बार के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। मुझे लगता है कि काफी लॉन्ग्स इसमें अभी बचे हुए अनवाइंड होने के लिए 220 के ऊपर ही स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में खरीदारी की राय रहेगी, फिलहाल वेट एंड वॉच करें। ठीक है, टेक्निकल पैटर्न ये कहता है कि 220 के ऊपर और स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन क्या हर गिरावट में खरीदारी करनी है? जब जब आपको 5 रुपए 10 रुपए 15-20 रुपए नीचे मिले वो सिद्धार्थ सेडानी से समझ लेते हैं। सिद्धार्थ जी आपकी राय स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। बिल्कुल डिम्पी जी, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजी पे। अभी घबराहट है थोड़ी सी स्टॉक में, पर यही समय है जब घबराहट होती है तभी लेनी चाहिए। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ऑप्टिक फाइबर में 5G रोल आउट, जो नेटवर्क का रोल आउट होने वाला है ये साल में, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई हो तो वो होगा स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। और हम मान अभी हाई ऑर्डर बुक है और ये ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन करने के लिए कंपनी को आने वाले 2 साल का ऑर्डर फुल है। हमें लगता है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी अगर ये टेलीकॉम का 10% भी फायदा ले ले तो हम मानते हैं कि यहां से स्टॉक प्राइस कहीं भी जा सकता है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी बिल्कुल बाय करें, हर गिरावट पे आप ऐड करते जाए। जीवन ये एक और स्टॉक है जहां पर